यूक्रेन के मसले को लेकर यूरोप में युद्ध अब टलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हैं, जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पूरे विवाद का खलनायक साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पुतिन इस पूरे विवाद के विलेन हैं, या फिर अमेरिका और नाटो ने पुतिन को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है जहां जंग के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा और यही जंग उन्हें उनके देश में नायक बना रही है। पुतिन की कहानी फिल्मों के उस किरदार की तरह है जिसके कमजोर हालात का फायदा उठाया जाता है, लेकिन अपना वक्त आने पर वो दुनिया को अपनी मजबूती और ताकत से रूबरू कराता है और पूरे फलसफे में वो किसी के लिए नायक होता है और किसी के लिए खलनायक। अब हम आपको बताते हैं वो हालात जिन्होंने पुतिन को तीसरे विश्व युद्ध का खलनायक बनाने के कगार पर पहुंचा दिया है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुई और अमेरिका दुनिया का इकलौता दरोगा बन गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस उसका वारिस बना, लेकिन वो रूस इतना कमजोर था कि अमेरिका और उसके सहयोगी संगठन नाटो ने यूरोप में कदम कदम पर रूस को उसकी कमजोरी का एहसास कराया। इस दौरान नाटो ने रूस की परेशानियों को नजरअंदाज करके उसकी सीमाओं के करीब अपना विस्तार किया। पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक को नाटो में शामिल किया गया। साल 2000 में पुतिन ने बोरिस येल्सिन रूस की बागडोर संभाली और उन्हें प्रेसिडेंट बने 5 साल भी नहीं हुए थे कि अमेरिका ने सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुवानिया जैसे देशों के साथ 7 और देशों को नाटो में शामिल करके रूस की सरहद पर दस्तक दे दी। नाटो का दायरा रूस के करीब आने का सीधा सीधा मतलब था रूस की सुरक्षा पर खतरा। नाटो के जरिए अमेरिकी के खतरनाक हथियार रूस की धरती के करीब पहुंच रहे थे। पुतिन ने उस वक्त भी इसका विरोध किया, लेकिन कमजोर पुतिन को अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया। यही वो वक्त था जब रूस की इकोनॉमी में तेल और गैस के चलते उछाल आ गया और पुतिन अपनी सेना को फिर वो मजबूती देनी शुरू कर दी जो सोवियत संघ के जमाने में हुआ करती थी। अमेरिका और नाटो ने एक बार फिर से 2014 में रूस की सरहद के करीब पहुंचने की कोशिश की और इस बार उनका मोहरा था यूक्रेन, लेकिन अब रूस बदल चुका था। पुतिन अब एक ऐसे मजबूत रूस के प्रेसिडेंट थे जिसकी आर्मी ने बिना वक्त गंवाए यूक्रेन के पाला बदलने से पहले ही क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और नाटो देखता रह गया। तब से लेकर अब तक यूक्रेन में पुतिन के दखल से गृह युद्ध जारी है और अब जबकि यूक्रेन एक बार फिर से नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज हो गई हैं, तो पुतिन की सेना ने उसे तीनों ओर से घेर लिया है। जाहिर पुतिन की इस कार्रवाई ने दुनिया को एक और विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन इसके लिए अकेले पुतिन ही जिम्मेदार हों ऐसा भी नहीं लगता। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।